आमिर खान की अपकमिंग फिल्म तलाश के म्यूजिक लॉन्च के वक्त डायरेक्टर रीमा कागती ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आमिर खान के होश उड़ गए। रीमा ने कहा कि आमिर से पहले फिल्म तलाश शाहरुख खान को ऑफर की गई थी जो उन्होंने ठुकरा दी थी। इस पर आमिर ने यह भी कहा कि किसी फिल्म को साइन करने से पहले वो जरूर पूछेंगी कि क्या ये रोल किसी और को ऑफर हुआ है, और आमिर नहीं चाहते कि उन्हें किसी और का ठुकराया हुआ रोल मिले, खासकर शाहरुख खान का। तलाश फिल्म के रिलीज के बाद शाहरुख के फैन जरूर सोचेंगे कि अगर SRK ये रोल करते तो क्या आमिर से बेहतर करते। वेट फॉर दैट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टॉर्म टू अराइव आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म। पहले कभी आमिर ने कहा था कि इंडस्ट्री में 3 idiots हैं, आमिर, सलमान और शाहरुख, लेकिन अब SRK के रिजेक्टेड ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि वो इंडस्ट्री के द वन एंड ओनली इडियट हैं। व्हाट्स योर टेक सिमी? आमिर ऑलवेज वॉन्ट्स टू टेक द हाई रोड, लेकिन शाहरुख से वो अक्सर टकरा जाते हैं ऑन एवरी मोड। बॉक्स ऑफिस पर तो शाहरुख से उन्होंने मार ली है बाजी बाय अर्निंग 300 crore। अब शाहरुख से कंपैरिजन का नहीं कैरी करना चाहते वो लोड।